हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ साइंस चैप्टर थर्ड. आवर नर्वस सिस्टम इज गोइंग ऑन एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर पार्ट्स वर्किंग फंक्शनिंग क्लियर एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. एंड येस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स ना. हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? फाइव. तो हमने किस किस के बारे में स्टडी किया था कल? आइज़ की हमने वर्किंग और फंक्शनिंग देख ली थी, हमने आई स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था. ठीक है, ईयर्स का हमने स्टडी कर लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा थर्ड ऑर्गन सिस्टम है, नोज़. क्लियर, यहाँ से हम स्टडी करेंगे बेटा नोज़. जैसे आपको पता है कि नोज़ मीन्स नाक, ये भी हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है. द नोज हेल्प्स अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. नोज़ किस में हेल्प करता है हमारे? हमें स्मेल एंड ब्रीथ यानी कि सांस लेने में और सूंघने में हेल्प करता है. ठीक है, स्मेल मीन सूंघना और ब्रीथ मीन सांस लेना. क्लियर, द नजल कैविटी इनसाइड द नोज हैज टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. अब हमारी नोज के अंदर एक नजल कैविटी होती है जो क्या होती हैं किसे में जो हमारी नाक के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर. जो हमारी नाक में छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नज़ल कैविटी. ठीक है, व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. इनहेल मीन जब हम सांस लेते हैं. ठीक है, तो जो एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो नज़ल कैविटी है इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड फिल्टर द एयर. और फिर वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं. जो सांस हम लेते हैं, जो एयर हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो फिल्टर होकर जाती है किसके थ्रू? नज़ल कैविटी के थ्रू. ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनसे. ठीक है, द सेंसरी नर्व्स हेल्प अस डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. उसके बाद जो सेंसरी नर्व्स हमने कल स्टडी किया था वो क्या करती है, इन सेंस ऑर्गन्स की जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचाती है. तो ये क्या करती है, सेंसरी नर्व्स हेल्प अस डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करती है. ठीक है, एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास पहुंचाती है. और ब्रेन देन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्मेल. और फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें हेल्प करता है स्मेल को आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ अच्छी स्मेल आ रही है या गंदी स्मेल आ रही है. ये सब हम किसे पता लगाते हैं? नोज़ की हेल्प से. ठीक है, तो ये था हमारे पास नोज़ थर्ड ऑर्गन सिस्टम. ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है टंग. ठीक है, टंग मीन्स जीभ, सबको पता है आपको. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है? टंग. पहले इसका पार्ट्स देख लेते हैं हम टंग के. ठीक है, ये हमारे पास है. देखो, टंग हमारे पास किस में हेल्पफुल होता है? टेस्ट चेक करने के लिए. तो किस टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे पास? देखो, बीटर, शोर, साल्ट, स्वीट. ठीक है, ये सारे टेस्ट हम किसे पता लगाते हैं? हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है उससे. ठीक है, बीटर मीन्स क्या होता है हमारे पास? कड़वा. बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा. ठीक है, और नेक्स्ट शोर. शोर मीन्स क्या होता है आपके पास? खट्टा. ठीक है, साल्ट क्या होता है हमारे पास? साल्ट मीन्स जो नमक होता है, नमकीन मीन्स नमक का पता चलता है हमें. स्वीट मीन्स मीठा. तो हम ऐसे पता लगाते हैं ना, कोई भी चीज़ को खाते हैं तो हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ हमारी मीठी है या फिर ये तीखी है, ये खट्टी है, ये कड़वी है. ये सब हम किससे पता लगाते हैं? जीभ से टेस्ट करके पता लगता है. ठीक है, तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स. अब हमारी जो जीभ होती है उसके अंदर एक टेस्ट बर्ड्स होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कोई भी चीज़ का हम स्वाद पता लगाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जीभ के अंदर पता लगा रखा है कि जो सबसे फर्स्ट आगे की जो जीभ का सबसे फर्स्ट पार्ट है वो स्वीट का मतलब मीठा पता लगाता है. ठीक है, फिर उससे आगे किसका पता चलता है? साल्ट का. फिर उससे जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो खट्टा बताता है. और लास्ट पार्ट हमें किसका बताता है? कड़वा बताता है. ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स. अब टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं वो आप देखेंगे. आप यहाँ पे इसमें देखो एक बार, टंग. द टंग हेल्प अस टेस्ट एंड इनेबल अस टू स्पीक. जो टंग है उसकी हेल्प से हम टेस्ट का पता लगाते हैं. और दूसरा, हम जो बोल पाते हैं वो भी किसकी हेल्प से बोल पाते हैं? टंग की हेल्प से. बोलने में भी हेल्प करती है टंग हमारी. ठीक है, इफ़ यू फील योर टंग यू विल फाइंड दैट इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई टीनी प्रोजेक्शंस
दीज आर कॉल्ड टेस्ट बड्स। क्या कहता है कि इफ़ यू फील योर टंग, अगर हम अपनी टंग यानी कि जो जीभ है उसको फील करते हैं तो हमें क्या लगता है कि दैट इट सरफेस इज कवर्ड बाई टीनी प्रोजेक्शन। जो हमारी जो जीभ होती है उसका जो सरफेस है वो क्या होता है हमारे पास एक टीनी प्रोजेक्शन यानी से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टी बर्ड्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ओके, छोटे 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 दाने से होते हैं ना हमारे जो जीभ होती है, ठीक है, इसके ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्लियर, टेस्ट बर्ड्स आर सेंसिटिव टू द सब्सटेंस इन द फूड। और जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो क्या होती हैं, बिल्कुल सेंसिटिव होती हैं। ओके, टेस्ट बर्ड्स आर कनेक्टेड टू नाउंस विद विच डिटेक्ट फोर मेजर टेस्ट। और जो ये टेस्ट बर्ड होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी जो नाउंस होती हैं, ठीक है, उससे। और फिर ये क्या करती है, हमें फोर टाइप के टेस्ट के बारे में बताती है, सच एज स्वीट, जैसे हमने अभी बताया था स्वीट हो गया, साल्टी, शोर एंड बीटर, ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। इन सब के बारे में हमें कौन बताता है, इस हमें जीभ से पता लगता है इन सब का, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द टंग आइडेंटिफाइज ए डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। व्हेन द फूड इज इन आवर माउथ द टंग सेंस द फूड इन आवर माउथ। जब हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं हमारे मुंह में, तो क्या करती है जो टंग है, सेंस द टेस्ट यूजिंग द टेस्ट बर्ड्स। फिर हमारी जो जीभ है वो पता लगाती है उस भोजन का टेस्ट का विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट बर्ड्स। द टेस्ट बर्ड्स कन्वर्ट द टेस्ट इन टू ए मैसेज। और फिर टेस्ट बर्ड क्या करती है, इस टेस्ट को एक मैसेज में कन्वर्ट करती है और फिर कहाँ पहुँचाती है, वो नर्व्स तक। एंडिंग द टेस्ट बर्ड्स टेक दिस मैसेज एंड कैरी इट टू द ब्रेन, यानी कि नर्व के हेल्प से ये ब्रेन तक पहुँचाती है। दस वी रिकोगनाइज टेस्ट, उससे हम क्या पता लगाते हैं, टेस्ट का पता लगाते हैं। क्लियर, यानी कि जो भी हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट हमें नहीं बताते, पहले वो मैसेज को सिग्नल को कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे ब्रेन के पास पहुँचाते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी नर्व्स के थ्रू, ठीक है, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये ब्रेन तक पहुँचाते हैं, फिर ब्रेन उन सबको रिकॉग्नाइज करके ही हमें बताता है, ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। क्लियर, तो आपको क्या करना है, टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होती है उस के क्या क्या टेस्ट बताते हैं, बीटर, शोर, साल्ट, स्वीट। क्लियर, ये था हमारे पास फोर सेंस ऑर्गन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्लियर, नेक्स्ट जो लास्ट आपके पास है वो है स्किन, ठीक है। स्किन मीन्स त्वचा, त्वचा होती है ना स्किन, ठीक है। अब देखो, द स्किन हेल्प अस टच एंड फील, जो स्किन है वो किस में हेल्प करती है, हमें कोई भी चीज़ को टच या फील करने से, ठीक है। सपोज़ हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज़ लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं ना, टच होने से फील करती है, यानी कि कोई चीज़ टच होके हम उसको फील करते हैं कि वेदर इट इज़ ए हॉट, कोल्ड, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें टच होती है तभी हम उसको चीज़ को फील कर पाते हैं कि ये कैसी है, ठीक है। ये किसका फंक्शन होता है, स्किन का। इट हैज़ नाउ एंडिंग्स दैट हेल्प अस फील टच प्रेशर, पेन एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। और इसी से हमें पता लगाता है कि हमारे जो सराउंडिंग में है उसका टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। कोई चीज़ हमारी चुभ जाती है तो पेन होता है तो वो हमें पता चलता है स्किन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट, आवर स्किन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डर्ट, जर्म्स एंड इंजरीज। अब जो स्किन है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, डर्ट यानी कि बाहर की जो गंदगी होती है उससे बचाती है इंटरनल ऑर्गन्स को, जर्म्स यानी कि कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह फैलते हैं उनसे बचाती है, इंजरीज यानी कि कोई चोट लगने से, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं उनको कौन सेव करता है, स्किन। क्लियर, इसमें भी हेल्पफुल होती है ये। एंड नेक्स्ट, दीज आर पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ आवर स्किन। हमारी जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। दीज पोर्स अलाउ द स्किन टू रिलीज वेस्ट एंड टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। और ये जो पोर्स होते हैं किस में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालने में, विद द हेल्प ऑफ ए स्वीट, यानी कि पसीने की फॉर्म में जो बॉडी में वेस्टेज होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। आवर स्किन ऑल्सो हैज नर्व्स। हमारी स्किन में क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। दीज नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये नर्व क्या करती हैं, उस मैसेज को कहाँ पहुँचाती हैं,
स्पाइनल कॉर्ड के पास एंड विच फर्दर कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, और फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है उसको ब्रेन के पास पहुंचाती है एंड टू प्रिसीव टच एंड टेम्परेचर, और फिर वो क्या करती है हमें बताती है कि जो बाहर का टच करने से कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है ये सब चीज़ करने से, ठीक है, यानी कि वो बताती कि हमें इस चीज़ पी रिसीव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सब अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ के लिए जागरूकता होना, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हमें बताता है स्किन, क्लियर। ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमने वन बाय वन सारे स्टडी कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है वो है टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी हमें कैसे कैसे केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कहता है कि ये आपकी बुक में गिवन है, आइज है, डज, यानी कि हमें क्या करना चाहिए एंड डज नॉट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्लियर। तो फर्स्ट आइज का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, देखो वॉश योर आइज रेगुलरली, क्लियर, हमें अपनी आइज को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। बाहर से अगर आप आते हैं, धूल मिट्टी में से आए हैं आप कुछ काम करके, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आइज को एक बार पानी से वॉश कर लेनी चाहिए, क्लियर। दूसरा कहता है कि डू नॉट रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स, एक हमें गंदे हाथों से अपने आइज को रब नहीं करना चाहिए, अपनी आइज को मसलना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल स्टडिंग वॉचिंग टी वी और वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर टी वी, अलाउ योर आइज टू रिलैक्स एट रेगुलर इंटरवल्स, टू रिलैक्स क्लोज योर आइज फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड जेंटली प्रेस देम विद योर पाम। क्या कहता है सेकेंड पार्ट में कि अगर आप टी वी देख रहे हैं, कंप्यूटर पर लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी आइज को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि टी वी देखते हैं तो एक टक टक ही लगा के देखते रहते हैं, आइज को नहीं झपकाते हैं तो उससे हमारी आइज पर प्रेशर आता है, ख़राब हो जाती है। तो हमें अपनी आइज को बीच बीच में रिलैक्स कर लेना चाहिए, बीच बीच में अपनी आइज की जो पलके हैं उनको भी झुकाना चाहिए, ठीक है, ये बताया है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि डू नॉट वॉच टीवी और सीट इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, एक दो घंटे तक कंटिन्यूटी हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, ना ही कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहिए, बीच में थोड़ा रिलैक्स ले लेना चाहिए, ठीक है, एक दो बार बाहर घूम के आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। वाइल रीडिंग इंश्योर दैट यू मेंटेन द करेक्ट पोस्चर बाय सिटिंग अप स्ट्रेट विद योर बैक अलाइन विद द बैक ऑफ द चेयर। अब क्या कहता है कि जब हम रीडिंग करते हैं यानी कि स्टडी करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इंश्योर दैट यू मेंटेन द करेक्ट पोस्चर, पोस्चर का मतलब हमारी जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, विद योर बैक बोन से स्ट्रेट होना चाहिए, क्लियर, अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो, ओके, तो हमारी पोजीशन जो होती है बैठने की, जो शेप पोजीशन होती है वो भी सही तरीके से होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, कई बार हम लेट के पढ़ते हैं और आगे बुक रख लेते हैं तो उससे हमारी आईज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन इन ए मूविंग व्हीकल और इन ए डिम लाइट। दूसरा क्या कहते हैं कि हमें एक तो लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरा चलते व्हीकल्स में नहीं पढ़ना चाहिए और डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्लियर, यह है। नेक्स्ट, मेक श्योर देर इज इनफ लाइट इन द रूम। तीसरा पार्ट क्या कहता है कि हमें ये डिम लाइट रूम में नहीं पढ़ना चाहिए। वाइल रीडिंग कीप द बुक 1 foot अवे फ्रॉम आवर फ्रॉम योर आइज़। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारी बुक बिल्कुल आइज़ के क्लोज नहीं होनी चाहिए, 1 foot दूर होनी चाहिए, ठीक है, 1 foot अवे मीन्स 1 foot दूर होनी चाहिए हमारी वो बुक, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड द बुक टू क्लोज और टू फार फ्रॉम आवर आइज़। तो ये बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें बुक को ज़्यादा दूर भी नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा पास भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ सुटेबल हो हमें वहीं रखनी चाहिए, क्लियर, मतलब इस तरह से रखनी चाहिए कि हमारी आइज़ के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। तो ये थे हमारे पास हाउ वी टेक केयर आवर आइज़, हमें आइज़ को कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे हमें नहीं करना चाहिए आइज़ के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास है ईयर्स। ईयर्स क्या कहता है, कीप योर ईयर्स क्लीन, यूज़ ओनली ईयरबड्स टू क्लीन दैम और विजिट ए डॉक्टर। जब हम अपनी ईयर को साफ़ करते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ईयरबड यूज करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, क्लियर। कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एन ईयर एक। अब क्या कहते हैं, अगर हमें कई बार कान में दर्द हो जाता है तो घर में क्या करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या तो उसको चेक कर देते हैं कोई कुछ लेके, या फिर उसमें ऑयल वगैरह डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें ईयर में पेन होता है तो उसे क्या होना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट यानी कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओके। वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक इंश्योर दैट द वॉल्यूम इज़ कैप्ट लो। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो वहाँ हमें वॉल्यूम को क्या रखना चाहिए, थोड़ा लो रखना चाहिए,
क्लियर। अब क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए ये देखेंगे। डू नॉट ट्राई टू क्लीन योर ईयर्स विद ए पिन पेंसिल और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट, ये भी कहते हैं सही है कि हमें अपने ईयर को कभी भी पेंसिल से या कोई भी अदर शार्प नुकीली जो चीज़ होती है पिन वगैरह उनसे हमें अपने ईयर को साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट इंसर्ट ईयरबड्स टू डीप इन टू द ईयर्स एंड डू नॉट प्योर ऑयल और ड्रॉप इन योर ईयर विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। दूसरा क्या कहता है बेटा कि हमारे जो ईयर्स होते हैं उनमें हमें ईयरबड को बहुत अंदर तक नहीं ले जाना है कान के, ठीक है। ना ही क्या होना चाहिए, हमें ऑयल नहीं डालना चाहिए या फिर बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए हमें कोई ईयर ड्रॉप भी हमारे कान के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है नोज। नोज क्या कहता है, कीप योर नोस्टल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली। अब हमें जो नोस्टल्स होती हैं, जैसे हमने बताया था ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उनको हमें क्लीन करना चाहिए रेगुलरली, हमारी नोज को साफ करना चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट्स इनसाइड योर ऑब्जेक्ट, और क्या नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को नाक के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो नुकीली चीज़ को। नेक्स्ट आपके पास है टंग, क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ ए टंग क्लीनर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टंग क्लीनर, जब हम ब्रशिंग करते हैं तो जो टंग क्लीनर आता है उससे हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर टंग क्लीनर विद अदर्स, एक दूसरा क्या कहता है कि हमें कभी भी अपनी ब्रश या फिर टंग क्लीनर दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने घर में किसी भी मेंबर के साथ कभी भी ब्रश या फिर टंग क्लीनर शेयर नहीं करना है, ठीक है, अपना सेपरेट रखना है, किसी को दूसरे को अपना नहीं देना है, क्लियर। नेक्स्ट है स्किन, कीप योर स्किन क्लीन बाई बाथिंग रेगुलरली, डेली नहाने से स्किन को हमें क्लीन रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो हमें रेगुलरली नहाना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक पैलेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी। दूसरा क्या कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मतलब स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है। डू नॉट शेयर योर क्लोथ्स और टॉवल्स विद अदर्स, एक दूसरा क्या कहता है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ टॉवल या फिर अपने कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। डू नॉट यूज़ रफ सब्सटेंस ऑन योर स्किन, और रफ सब्सटेंस यानी कि कोई भी रफ चीज़ को अपनी स्किन से नहीं रखना चाहिए, नहीं रगड़ना चाहिए, क्लियर। तो ये थे आपके पास हाउ वी टेक केयर आवर सेंस ऑर्गन्स, क्लियर बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में हम क्या करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके, क्लियर टू ऑल। आज को क्या करना है, आपको इस चैप्टर को दो बार रीड करना है। एक बार बताती हूँ बेटा, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं रेगुलर क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ आपको चैप्टर के साथ, ठीक है, और आपको एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे रिवीजन होगा तो आपको अगेन ही चैप्टर रीड करवा के और अच्छे से करवा दिया जाएगा। अभी आप अपनी नोटबुक बनाएं, इसमें क्वेश्चन आंसर रेडी कर लें अपने, ओके, फिर ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जब हमें फिर से रिवीजन करवाऊंगे तो उसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर टू ऑल। अब आपका होमवर्क यही रहेगा टू रीड आउट दिस कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा आपका, टू रीड कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट आपको रीड करना है और ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्लियर। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।